नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हुआ शख्स, चिता पर जिंदा हो गया मुर्दा आदमी, यह देखकर लोग हो गए हैरान। आपको बता दें कि दिल्ली के नरेला इलाके में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक बुजुर्ग की कथित मौत के बाद वो अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने आंखें खोल दी। यह सब तब हुआ जब शमशान घाट में उन्हें अर्थी से उठाकर चिता पर रखने की तैयारी चल रही थी। दरअसल नरेला के टिकरी खुर्द गांव के 62 साल के एक बुजुर्ग सतीश भरद्वाज की रविवार सुबह मौत हो गई थी, ऐसा दावा उनके परिवार के लोगों ने किया है। मौत के बाद मातम में डूबे परिवार के लोग उन्हें लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। मृतक को मुखाग्नि देने के लिए जैसे ही उनके शव से कफन को हटाया, लोगों के होश उड़ गए। बुजुर्ग अचानक अर्थी पर जिंदा हो गया और सांस लेने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आंखें भी खोल ली। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों ने तुरंत दिल्ली पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करके जानकारी दी। वहीं शमशान घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे एक डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा इनकी सांसें चल रही हैं, इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। शमशान घाट में मौजूद जिन दो लोगों ने पुलिस PCR को फोन किया था, उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि वो बुजुर्ग के रिश्तेदार हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 3 बजे का ये मामला है। बुजुर्ग का नाम सतीश भरद्वाज है और उनकी उम्र 62 साल है। रिश्तेदारों ने बताया कि बुजुर्ग ने चिता पर रखे जाने से ठीक पहले आंखें खोल दी, जिसके बाद उनका PG चेक किया गया। हार्ट बीट समेत सब कुछ नॉर्मल था। इसके फौरन बाद शमशान घाट से बुजुर्ग को एम्बुलेंस से राजा हरिचंद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसी हैरान कर देने वाले मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि बुजुर्ग जिंदा ही थे। वो जिस अस्पताल में भर्ती थे, वहां से बिना डॉक्टरी सलाह के परिवार के लोगों ने बुजुर्ग को डिस्चार्ज करवाया था। अस्पताल के डिस्चार्ज करते वक्त डिस्चार्ज पेपर पर बुजुर्ग के बारे में लिखा था कि वो कैंसर के मरीज है। चिकू वेंटिलेटर का खर्च ज्यादा था तो परिजन उन्हें लेकर अस्पताल से घर पहुंच गए। वेंटिलेटर से हटाए जाने के बाद उनकी सांस बंद हो गई, जिसके बाद सुबह करीब 11 बजे परिजनों को लगा कि उनकी मौत हो गई और वो अंतिम संस्कार के लिए लेकर उन्हें शमशान घाट पहुंच गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि मामले की जांच चल रही है और शुरुआती तौर पर अस्पताल की लापरवाही सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।